नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के सेक्टर 6 में आप देख सकते हैं 7 नंबर कोठी में इस वक्त हम मौजूद हैं। इस कोठी के बारे में आपको ये जानकारी देना चाहूंगी कि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला हैं जो कि अकेले रहती हैं और अपने बेटों की याद में इसी घर में वो रहना भी चाहती हैं। लेकिन आप सबको तो मालूम ही है कि अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूँ या फिर पूरे देश की क्यों ना बात करूँ, बहुत सारे ऐसे कब्जा गैंग हैं जो इस वक्त सक्रिय हो चुके हैं। करनाल में भी पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिले कि किसी घर में, किसी बड़े से घर में, इस वक्त भी आप देख सकते हैं एक बड़ी सी कोठी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी जिसमें एक बुजुर्ग माता जी रह रही थी जिनकी उम्र 90 साल से भी ऊपर की है। और यहाँ पर आज से कुछ दिन पहले कुछ बदमाश यहाँ पर अचानक से घुस जाते हैं। जब वो ये देखते हैं कि घर में फिलहाल कोई नहीं है और उस वक्त वो बदमाश आकर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं कि ये घर, ये कोठी पूरी की पूरी हमारी है। उन महिला से भी मैं मिलवाऊंगी जिनके सामने ये पूरी की पूरी घटना हुई और जिनकी ये पूरी की पूरी कोठी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा तोड़फोड़ भी की गई है। जो महिला है उनके बेटे जो इस अब दुनिया में नहीं है उनकी मूर्ति के साथ आप देखिए किस कदर छेड़छाड़ की गई है। ना सिर्फ छेड़छाड़ बल्कि उनका सर तक इस मूर्ति से अलग कर दिया गया है। ये उन्हीं बदमाशों ने तोड़ा था। हाँ, ये नंबर प्लेट जो घर के आगे थी वो भी ले गए थे, इसको भी तोड़ के लगो रखा था जब अंदर बड़े हुए थे। और उसके बाद बाहर पुलिस खड़ी थी, वो खुलवा रही थी और ये मैडम बाहर से कह रही थी हाय मेरा घर। कितने बदमाश आए थे मैडम यहाँ पर? ये वैसे तो 20-25 लड़के घुसे थे। आप ही का घर है ये? हाँ, मेरे भाई का घर है। मैं ही आके मैंने ही पुलिस को फोन किया था। तो जब मैं घुसी थी, ये गेट के बाहर थी तो ये अंदर घुसे हुए थे। जो मीडिया आई हुई थी उनसे मैंने बोला भी था मेरे भाई की मूर्ति लगी हुई है, आप ये देख लो, ये कह रहे हमारा घर है। तो उन्होंने देखा, उस टाइम भी ये पूरी साबुत मूर्ति थी। जब उन्होंने देखा कि ये मूर्ति का इन्होंने वो दे दिया तो इसकी गर्दन तोड़ के पीछे फेंकी हुई थी। पुलिस ने ये ढूंढी थी पिछली साइड। पुलिस ने हमारा वाकये में बहुत ज़्यादा साथ दिया, धन्यवाद करती हूँ एसपी साहब का, क्योंकि इतने ईमानदार एसपी है कि एक कॉल मैंने की थी सर ऐसे ऐसे हो गया, उसने सारी तकरीबन पुलिस फोर्स यहाँ पे आई हुई थी। इस कोठी में कौन कौन रहते हैं और कितने समय से रह रहे हैं? हम 99 से इसी कोठी में रह रहे हैं। और अब जब भाइयों की डेथ के बाद यहाँ पे मेरी माँ और भतीजी है मेरी, मैं इनको देखभाल करती हूँ। बाकी मकान ये हमने किराए पे दे रखा है। तो ये वर्षों, तो हमें कितने वर्ष हो गए, अब बुजुर्ग ही हो रही है माता मेरी, 82 साल की होगी। तो ये बेचारी अकेली, अगर उनके हाथे जड़ जाती तो क्या होता, आप ही सोचिए। तो बदमाशों के पास कुछ हथियार वगैरह भी थे? हाँ, सारे हथियारों से लैस थे। जैसे ही पुलिस आई पीछे से उतर उतर के भागे पिछली साइड, और हथियार भी अपने, जब पुलिस आई तो उन्होंने कुछ नहीं मिला, सिर्फ लाठी और डंडे मिले। बाकी पुलिस जब मौके पर आई थी वो फरार हो गए थे यहाँ? हाँ, वो फरार हो गए, सिर्फ 5-6 आदमी बचे हुए थे। यहाँ पे लोग मौजूद थे जिनका घर है, आपकी माता जी हैं जो? मेरी माता जी उस टाइम गाँव गई हुई थी और जो भतीजी थी वो कॉलेज गई हुई थी। वो कॉलेज से जब आई उसको नहीं पता था कि अंदर बदमाश घुसे हुए, वो दीवार टपके अंदर चली गई। वो कोई दुश्मनी है क्या? नहीं, हमारी ना तो उनसे कोई दुश्मनी है, जाति कोई दुश्मनी नहीं है। वो कभी 25-30 साल पहले यहाँ रहा होगा वो बंदा, उसका काम ही कब्जा करने का था, पहले भी वो कब्जा किए बैठा था। क्या नाम है उनका? बहादुर सिंह। कहाँ के रहने? ये निसंग के रहने वाले हैं। उसके नाम ही एक साथ ही एक सतनाम सिंह है, वो भी 10 नंबरी बदमाश है। ये पूरा गैंग है उनका, ये कब्जे ही करते हैं, इनका काम कुछ नहीं है सिर्फ कब्जे करना, अफीम बेचना। अब ये जेल में है। किन्होंने डलवाया जेल में? ये यहाँ से पुलिस उठा के लेके उन्होंने, पुलिस ने ही जेल में डाला है। तो ये इतनी बार अंदर बार ये तो आते जाते रहे, इन्हें तो ये धंधा बना रखा है। आपकी माता जी का क्या नाम है? गुरदेई। मेरी माता जी का नाम गुरदेई है। मेरे फादर की भी डेथ हो रही है, मेरे दो भाइयों की। माता जी आप देख सकते हैं, माता जी का भी उस दिन क्या हाल हुआ होगा वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि बरसों हो गए इसी मकान में रहते हुए। लेकिन आप देख सकते हैं कि अचानक से ऐसे बदमाश अगर घर में घुसकर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो आखिर बुजुर्ग लोग जाएंगे कहाँ? माता जी क्या नाम है आपका? क्या उम्र है आपकी? उम्र 80-70 के हो रही। कौन आया था उस दिन? आपने देखा था किसी को बदमाश? मैं कौन थी बेटी उस टाइम? बेबे थी मैं। कौन थी? कौन कौन रहते हैं माता जा रही थी घर? हाँ जी, अपना घर जा रही थी। कौन कौन रहता है यहाँ पे? यहाँ पे माता जी रहती है, एक भतीजी रहती है और कुछ किराए, कुछ किराए पे दे रखे हैं, कुछ किराएदार रहते हैं, मिल के रहते हैं सारे। एक बहन जी आती जाती रहा, बाला बहन जी। हाँ,
कई लोग रहते हैं, यहाँ लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी बदमाशों की इतनी हिम्मत थी कि वो यहाँ पर घुस आए। सर आप जानते हैं उन बदमाशों को कौन? बहादुर सिंह नाम है इसका, ये 6 भाई हैं। नहीं, आपका नाम क्या है? सुखचैन सिंह। उनका बहादुर सिंह है। हाँ जी। कहाँ के हैं वो? ये निसिंग गांव के। तो ये काम क्यों कर रहे हैं, कब से सक्रिय है ये? ये 6-7 भाई हैं। ये जब करनाल में VN राय SSP था उस टाइम से इनका यही पेशा है। पहले रेकी वगैरह करते हैं, किस घर में बुजुर्ग रहते हैं, किस घर? हाँ, पहले ये रेकी करते हैं जी, रेकी करके देखते हैं ये घर खाली है, उस पर कब्जा कर लेते हैं। और भी काम करते हैं या यही काम करते हैं कि कब्जा करो और अपना घर अपने नाम? इनके पास जमीन भी है, यहाँ से पैसे भी ले के वही करके आके जमीन लेते हैं। कितने गज की है ये कोठी? ये 700-800 गज की। 700-800 गज की कोठी है। 700-800 गज की कोठी है जो कब्जा गैंग यहाँ पर पहुँचते हैं, कई बदमाश यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप देख सकते हैं युवा बोलेगा मंच की तरफ से भी तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और किसान भाई भी यहाँ पर पहुँचे हुए। सर क्या जानकारी मिली थी जिसके बाद आज यहाँ पर पहुँचना हुआ? ये लगा भाई धक्के तय जो है ना, बदमाश बन के कोठी पे कब्जा करने लग रहे। ये हमारे गांव के हैं, इस टाइम गक्सिने के हैं। तो इसका मतलब यह है कि जब पाकिस्तान और भारत एक था ना, जमीन का दादा मल्य था हरियाणा पंजाब तक कड़ा, पाकिस्तान भी नहीं बना था जिब तो, जिब से मल्य था युगर तो जो है नहीं पढ़िया लिखा का है। अरे नया बुढ़िया रोवे थी उड़ा धक्के तय कौन न सोची, इसका नहीं कुछ भी है। इब हमने पता लग गया था हमारे सर हो गए, आज बहुत आ लेंगे गांव के ने सब ने बेरा पट गया। अग भाई धक्का लग गया न्यू न्यू करण कब्जा बेटी न्यू नहीं होया करता, अका कहूँ दाब लो कोई नहीं है। प्रशासन की बहुत हम वह करे सराहना, प्रशासन ने युग चोट लिए और वह भीतर वह ठोक रखे, उनकी जमानत नहीं होनी चाहिए। जमानत जो लेगा उसको भीतर ठोको, ऐसे ऐसे बदमाशा की जो जमानत लेगा वो तो एक उग्रवादी है, जो कि इतनी बड़ी पै जो कि एक इतनी बड़ी कर दी थी इस बुढ़िया को भी, बाल बाल बची है। तो जेपी शेखपुरा भी है युवा बोलेगा मंच की तरफ से। सर आज तक जहां पर भी कब्जाधारी इस तरीके से देखने को मिलते हैं, आप लोग जरूर आलोचना करने के लिए पहुंच जाते हैं, आंदोलन खड़ा करने के लिए पहुंच जाते हैं, आज किस लिए पहुंचे? सर मैडम एक तो हम लोगों ने, चलो हम एडवोकेट हैं, हमें पता है हमने 1100 आंदोलन किए, पर इसमें से जो करनाल में हम लोग आपके माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, जब भी हम अगर यहाँ पर हम यहाँ पर आए हैं तो हम बुजुर्गों को शक्ति देना चाहते हैं। जो मकानों में कोठियों में बुजुर्ग जो 80 साल के बाद बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन पर जो गैंगस्टर होते हैं वो उनका पता करते हैं, यहाँ पर इकली बुजुर्ग रहती है, उसके बाद वो उससे आना जाना शुरू कर देते हैं और या तो उसको साइन करा लेते हैं या उसका मर्डर कर लेते हैं। तो ये हमारा धर्म है कि बुजुर्ग आपकी इसको वीडियो को देख करके, बुजुर्गों के जो बालक विदेशों में रह रहे हैं वो अपनी माता से पिता से रोजाना फोन करे, पिताजी ठीक हो, अपने घर का पता करे। हमारा ये इस चीज़ को लेकर के हमारे करनाल जिले में अगर आप सर्वे करोगे तो हद से ज़्यादा बुजुर्ग बेचारे, पता लगता है कि 5 दिन हो गया डेड बॉडी बुजुर्ग की अंदर पड़ी हुई है या पता हुआ कि ऐसे बात हो गई है। तो ये जो कोठी पिछले 24 तारीख को ये जिसमें ऐसे बड़े थे, इसके माध्यम से हम सभी बुजुर्गों को सशक्त करना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ माता जी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो इसके माध्यम से हम प्रशासन भी, मतलब पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, जो बुजुर्गों के मकान हैं वहाँ PCR राउंड लगाती रहे, जो बदमाश हैं जो कब्जाधारी हैं जिनकी निगाहें गलत होती है वो ऐसी ही सोशल मीडिया के द्वारा इन वीडियो को देख करके, आस पास के होते हैं, इनके तार जुड़ जाते हैं, ये पहले तहसील में जाते हैं वहाँ से देखते हैं कितने गज की कोठी है, फिर उनके परिवार के बारे में पता करते हैं, कोई डेथ हो जाती है, कोई विदेश चले जाते हैं, उसके बाद उसमें कब्जे हो जाते हैं। पहले पता किया जाता है, यानी कि पहले पूरी सेक्टरों के आसपास, बड़े बड़े मकानों के आसपास, शहरों के आसपास रेकी की जाती है और उसके बाद ही देखा जाता है कि किस मकान में बुजुर्ग लोग रह रहे हैं, किस मकान में इस तरीके से बुजुर्ग माता जी रह रही हैं, अकेले रह रहे हैं, पूरा घर बना हुआ है। और ये जो घर आप देख सकते हैं, जो पूरी कोठी है, ये 700-800 गज की बताई जा रही है, इनकी एक काफी बड़ा मकान है। और ऐसे मकानों पर कब्जा करने के लिए बदमाश पहुंच जाते हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।